इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कक्षा चार कलरों पार्ट पाँच कहाँ रहेगी चिड़िया रानी के अभ्यास प्रश्न। तो पहले हम लोग इस कविता का वाचन कर लेते हैं। इसका भावार्थ भी इसी वीडियो में है पूरा और इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न भी कराए गए हैं। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला आलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची ची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। ये इसकी रचयिता हैं महादेवी वर्मा। तो इसके अब हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे और सबसे पहले हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। तो प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ हमने पंक्ति सहित इसमें लिख लिया है। जैसे पहले वाली पंक्ति में हम आंधी आई, यानी पहले पांच लाइनों के का भावार्थ इसमें हम दे रहे हैं। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। तो इसका भावार्थ हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा को इस बात की चिंता सता रही है कि तेज आंधी के आ जाने से एक चिड़िया के घोंसले के उड़ जाने तथा उसके अंडे फूट जाने की पीड़ा का वर्णन किया है और कहा है कि चिड़िया अपना दुख किससे कहेगी और अब कहाँ रहेगी। इसके बाद दूसरा जो स्टैंजा दिया गया है, हमने खोला आलमारी को, ये तब चिड़िया कहाँ रहेगी। इसकी ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं जिनका भावार्थ हम दे रहे हैं। इसमें हमने खोला आलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची ची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा चिड़िया की सहायता करना चाहती हैं। इसके लिए कवित्री अपने घर की आलमारी खोलकर उसे उसमें रहने के लिए बुला रही हैं, मीन्स चिड़िया को बुला रही हैं आलमारी में रहने के लिए। लेकिन चिड़िया ची ची करती है और वह घर में नहीं रहना चाहती है, इसलिए अंदर नहीं आ रही है। तो ये इन पंक्तियों का भावार्थ हो गया। इसके बाद अंतिम पंक्तियों का भावार्थ है घर में पेड़, इसके बाद उसी के आगे चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इसका भावार्थ हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा अपनी असमर्थता का वर्णन कर रही हैं कि मैं चिड़िया को रहने के लिए घर में पेड़ कहाँ से लाएं और चिड़िया का घोंसला कैसे बनाएं और टूटे फूटे अंडे कैसे जोड़ें। कवित्री परेशान हैं कि चिड़िया अपना घोंसला उड़ जाने और अंडे टूट जाने पर अपनी बात किससे कहेगी और अब चिड़िया कहाँ रहेगी। इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न हैं जो पुस्तक में दिए गए हैं। तो पहले इसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे, बोध प्रश्न, और उसके उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है पुस्तक में, जोर शोर से आंधी आने पर क्या क्या हुआ। तो इसका उत्तर है, जोर शोर से आंधी आने पर चिड़िया का घोंसला उड़ गया और उसके अंडे गिरकर फूट गए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चिड़िया बुलाने पर आलमारी में रहने के लिए क्यों नहीं आ रही। तो इसका उत्तर है कि चिड़िया बुलाने पर आलमारी में रहने के लिए इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि चिड़िया बाहर स्वतंत्र रहना चाहती है तथा वह घर के अंदर नहीं रहना चाहती है, इसलिए जो है चिड़िया
घर के अंदर यानी अलमारी के अंदर नहीं आ रही है। इसी के बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि चिड़िया के लिए दुख की बात क्या है। तो चिड़िया के लिए दुख की बात ये है कि चिड़िया ने जो घोंसला अपनी मेहनत से बनाया है वो जाने कहाँ उड़ गया और उसके लिए और उसके अंडे भी गिरकर फूट गए। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या दो दिया गया है कि कविता के अंशों को वाक्यों के रूप में लिखिए। कविता के कुछ अंश दिए हैं और उसको हमें सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है, नहीं पद को जो है गद्य में हमें बदलना है। तो पहली पंक्ति दी गई है कि आई आंधी जोर शोर से, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जोर शोर से आंधी आई, ये हमारा वाक्य हो गया। फिर कविता का जो दूसरा अंश खा दिया गया, डाले टूटी हैं झकोर से, तो इसका जो वाक्य हो जाएगा कि हवा के झोंके से पेड़ की डाले टूट गई हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है हमने खोला आलमारी को, तो इसका हो जाएगा कि हमने आलमारी को खोला। और इसके बाद घा है बुला रहे हैं बेचारी को, तो इसका जो वाक्य बनेगा वो हो जाएगा कि बेचारी को बुला रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या तीन दिया है, महादेवी वर्मा की ही एक और कविता नीचे दी गई है जो कि पुस्तक में दी गई है, पुस्तक के ही अभ्यास प्रश्न इसमें दिए गए हैं। मेघ बरसने वाला है मेरी खिड़की में आ जा तितली, बाहर जब पर होंगे गीले धुल जाएंगे रंग सजीले, झड़ जाएगा फूल न तुझको बचा सकेगा छोटी तितली, खिड़की में तू आ जा तितली। अब इससे संबंधित जो ये कविता दी गई है ये भी महादेवी वर्मा की द्वारा लिखी गई है और इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन्हीं कविता के माध्यम से, इसी कविता की सहायता से हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि इस कविता पर दो सवाल बनाइए, तो इसमें सवाल तो हम बच्चों से पहले बनवा सकते हैं, इसमें बहुत सारे हैं, मतलब मेघ क्या करने वाला है, या कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है, या कविता का शीर्षक क्या है, इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो खिड़की के अंदर तितली को कौन बुला रहा है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न हमने बनाया है कि कविता में किस मौसम के विषय में चर्चा की गई है, और इसके बाद आता है कि इस कविता में संवादों की तरह लिखी, यानी इस कविता को हमें संवाद, जो कविता हमें दिया गया है ये मेह बरसने वाला है और इस कविता को हमें संवाद के रूप में लिखना है। तो हम देखते हैं कि इसको संवाद के रूप में लिख रहे हैं, तो कवित्री है या इसमें हम लेखिका भी लिख सकते हैं, कवित्री लिख सकते हैं। तो मेघ बरसने वाला है मेरी खिड़की में आ जाओ तितली, मतलब कवित्री कह रही है तितली से कि मेघ यानी बादल बरसने वाला है मेरी खिड़की में आ जाओ तितली। मेघ का मतलब होता है बादल और तितली क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगी, तो कवित्री कह रहे हैं कि बाहर बरसात होने से तुम्हारे पंख गीले हो जाएंगे और तुम्हारे पंखों की सजीले रंग धुल जाएंगे। फिर तितली बोल रही है, तितली कहती है बरसात होने पर मैं फूलों में छिप जाऊंगी, मीन्स वो भीगी मतलब अंदर नहीं आएगी, वो कह रही है कि हम फूलों में छिप जाएंगे लेकिन अंदर नहीं आएंगे। इसके बाद जो है कवित्री कहती है कि बरसात होने पर फूल की पंखुड़ियाँ स्वयं झड़ जाएंगी, वो तुझे नहीं बचा पाएंगी, इसलिए छोटी तितली तू खिड़की में आ जा। तो तितली बोलती है कि नहीं मैं तो अंदर नहीं आऊँगी, मुझे बरसात में बाहर उड़ने में बहुत मज़ा आता है, यानी बरसात में भीगने का या सबको अच्छा लगता है बरसात में भीगना, उसी तरह से चिड़िया को भी, तितली को भी बरसात में बाहर घूमने में उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, वो अंदर कैद होकर के नहीं रहना चाहती है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है सोच विचार बताइए, प्रश्न संख्या चार है कि आप किसी पेड़ के नीचे, ये बच्चों से ही पूछने हैं, इसका हमने उत्तर संभावित लिख दिया है, लेकिन इसके सारे प्रश्न जो हमें बच्चों से उसके उत्तर लेने हैं और इसके बाद हमें उसका संशोधन करना है अगर कहीं बच्चे गलती करते हैं। तो आप किसी पेड़ के नीचे हों और जोर की आंधी आ जाए तो क्या करेंगे, यदि हम किसी पेड़ के नीचे हों और जोर की आंधी आ जाए तो हम पेड़ से दूर किसी खुले स्थान पर जाकर कहीं साफ स्थान पर बैठ जाएंगे, मीन्स हम पेड़ के नीचे नहीं रहेंगे क्योंकि आंधी आने पर हमें खतरा रहेगा, पेड़ गिर सकता है और हम उसमें दब सकते हैं, तो इसलिए हम कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे और जो है खुले स्थान पर चले जाएंगे।
वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है जो सोच विचार का, कि जिसका घोंसला उड़ गया हो आप उस चिड़िया की मदद के लिए क्या क्या करेंगे। तो इसमें भी बच्चों से हमें पूछना है, तो इसका उत्तर हमने दे दिया है कि जिसका घोंसला उड़ गया हो हम उस चिड़िया की मदद के लिए कागज़ के डिब्बे, जो कागज़ जो जैसे पंखे का डिब्बा है या किसी कोई भी सामान हम लोग लेते हैं तो डिब्बे में ही मिलता है, गत्ते में, गत्ते का डिब्बा होता है और गत्ते के डिब्बे में मिलता है, तो उसके लिए हम उस डिब्बे से घोंसला बना सकते हैं। तो वही हमने लिख दिया है कि चिड़िया की मदद के लिए कागज़ के बड़े, या हम यहाँ पर गत्ते लिख सकते हैं, गत्ते के बड़े डिब्बे को घोंसला का आकार या उस डिब्बे के ऊपर से खुला छोड़कर उसे सुरक्षित स्थान पर एकांत में रख देंगे। एकांत में इसलिए रख देंगे कि जहाँ आवागमन होगा वहाँ चिड़िया नहीं आएगी, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा रहेगा वहीं चिड़िया आएगी, या कपड़े के कतरन या घास फूस से उसका घोंसला किसी सुरक्षित स्थान पर बनाकर रख देंगे या बना देंगे। ये हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें है कि आंधी आने पर चिड़िया के अलावा और कौन कौन जीव जंतु दुखी हुए होंगे। तो ये तो स्वाभाविक है कि वही जीव जंतु दुखी होंगे जो उस जंगल से संबंधित है, उन पेड़ पौधों से संबंध रखते हैं या किसी प्रकार से उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनको दुख होगा। तो अब इसका उत्तर हो जाए कि आंधी आने पर चिड़िया के अलावा अन्य जीव जंतु जो उन पेड़ों पर रहते हैं या बाग या जंगल में रहते हैं, वे सभी जीव जंतु दुखी हुए होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया है कि घोंसला उड़ जाने पर चिड़िया के सामने क्या क्या समस्याएं आई होंगी। इसके बाद इसका उत्तर है कि घोंसला उड़ जाने पर चिड़िया के सामने अनेक समस्याएं आई होंगी, जैसे चिड़िया को पुनः घोंसला बनाने के लिए उसे उचित सामग्री ढूंढने में परेशानी होगी, उसे काफ़ी समय तक पेड़ पर खुले स्थान में रहना होगा और उसे घोंसला बनाने में काफ़ी समय लगेगा, इसको उसको मतलब उतने दिन तक वो कष्ट में अपना समय गुजारेगी, इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं चिड़िया को। इसके बाद अगला इसमें प्रश्न दिया गया है कि तुम्हारे आसपास जोर से आंधी आने पर क्या क्या समस्याएँ आई होंगी। तो हमारे आसपास जोर से आंधी आने पर पेड़ पौधे गिर जाते हैं, गांव में घास फूस के पुराने छप्पर तेज हवा के झोंके से उड़ जाते हैं, और शहरों में टीन शेड वगैरह भी उड़ जाता है अगर आंधी आता है, टीन शेड सही नहीं रखा है तो वो भी उड़ जाता है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 5, भाषा के रंग। इसमें दिया गया है कि दिए गए निर्देश के अनुसार चिड़िया शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। तो पहला वाक्य दिया कि ऐसा वाक्य जिसमें 5 शब्द ही आए, मतलब एक हमको ऐसा वाक्य उसमें चिड़िया शब्द को हमें शामिल करना है, ऐसा वाक्य बनाना है कि जिसमें 5 ही शब्द आए। इसमें लिमिटेशन दे दिया, बाउंडेशन दे दिया, तो इसका हम एक सेंटेंस बना सकते हैं कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, या उड़ रही तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, चिड़िया आसमान में उड़ती है। इस तरह से और भी कई सेंटेंस बना सकते हैं अलग अलग ऐसे वाक्य। जैसे दूसरा प्रश्न दिया गया है कि ऐसा वाक्य जिसमें चिड़िया के रंग का भी उल्लेख हो, तो कल मैंने एक काली चिड़िया देखी या आज मैंने एक काली चिड़िया देखी, हमें चिड़िया शब्द को जरूर उसमें सेंटेंस में शामिल करना है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। ऐसा शब्द जिसमें चिड़िया शब्द के साथ अगर भी आए, एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो गा प्रश्न है, संख्या गा प्रश्न है, तो सॉरी, अगर मैं चिड़िया होती तो हमेशा आसमान में उड़ा करती, उसमें अगर शब्दों को हमें जोड़ना है। इसके बाद आता है आपकी कलम से, प्रश्न संख्या 5 हो गया। इसके बाद देखते हैं पुस्तक में कुछ प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जिनकी की उत्तर हम बच्चों को इसी से बता देंगे, उसको हम कॉपी में लिखना सही नहीं समझते हैं। इसके बाद है आपकी कलम से, तो ये दिया गया है कि इस कविता की रचना सुश्री महादेवी वर्मा ने की है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, उन्होंने अपने घर में गाय, हिरण, गिलहरी, कुत्ता, नेवला जैसे तमाम पशु पक्षी पाल रखे थे, और जिनमें जिनके नाम गौरी, सोना, रोजी, निक्की आदि रखे थे। तो मैं ये चीज़ बच्चों से पूछना है कि आपके घर में कौन कौन से जानवर हैं और कौन कौन से जानवर पाले गए हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि आपके घर में कौन कौन से जानवर पाले गए हैं, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक और प्रश्न दिया गया है कि जो है उनको किस किस नाम से बुलाते हैं, ये भी बच्चों से पूछेंगे। अगर कोई जानवर पाल रखे हो
जैसे गांव में बकरी है, भैंस है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी पालते हैं तो उसका नाम अवश्य कोई ना कोई रखा जाता है। तो उनकी हाँ, तो उनके नाम हमें बच्चों से पूछना है। सभी बच्चे अपने पेट यानी जो अपने पालतू पशु हैं उनके नाम बताएंगे। अब इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, इसी में दिया गया है कि उनकी दो दो खास बातें लिखिए, मतलब उनमें कोई क्या खास बात है उन जानवरों में, उन जो हमने पेट अपने रखे हैं, जो पालतू जानवर रखे हैं उनको क्या खास बात है। इसके बाद है क्या क्या कठिनाई होगी, अपना घर ना होने पर हम लोगों को क्या होगी, ये तो सभी बच्चे बताएंगे। हम लोग जाड़ा गर्मी बरसात खुले में नहीं रह सकते हैं, बहुत परेशानियाँ होंगी, पेड़ों के नीचे या जो है कहीं सुरक्षित स्थान पर हम लोगों को अपना समय बिताना पड़ेगा। घर ना होने पर हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती, जीव जंतुओं का खतरा रहेगा, जंगली जानवरों का खतरा रहेगा, चोरों का खतरा रहेगा, और खुले में रहना संभव नहीं है क्योंकि धूप इतनी तेज़ होगी। तो ये हमें बच्चों से पूछना है, बच्चे बताएंगे। और फिर इसके बाद दिया गया कि पेड़ ना होने पर चिड़िया, आगे प्रश्न दिया है चिड़िया को पेड़ ना होना चाहिए। हाँ, इसी जैसे जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि घर ना होने पर, जैसे अपना घर ना होने पर हम लोगों को क्या परेशानियां होती हैं, उसी तरह से कहा गया है कि अगर पेड़ ना हो तो चिड़िया को क्या परेशानी, पेड़ नहीं होगा तो चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाएगी, यही सब परेशानी उनको आएगी। इसके बाद अगला दिया है कि कविता में आया है कि कैसे अंडे जोड़े, यानी कैसे फूटे अंडे जोड़े, यानी फूटा अंडा जोड़ा नहीं जा सकता है, पर आसपास जो है बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें टूटी फूटी चीज़ें होती हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है। सोच कर लिखिए आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें टूटने फूटने के बाद भी मरम्मत द्वारा जोड़ा जा सकता है, तो ये बच्चे अपनी सोच समझ से बताएंगे। इसके बाद बच्चों को ये बहुत इंटरेस्टिंग ये दिया है, एक कहानी हमें बनाना है, चित्र दिया गया है, चित्र के माध्यम से कहानी बनाना है। तो ये बच्चों से, सभी बच्चों से कहानी बनवाएंगे, और सभी बच्चों से बारी बारी से संभव होगा तो इसको सुनेंगे कहानी। और फिर भी हमने कहानी दिया है तो दिया गया है कि दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक चित्र के आधार पर एक एक अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद इस क्रम से लिखिए कि एक कहानी का रूप बनता जाए। तो इसमें जो हमने कहानी लिख लिया, वैसे तो इसमें सिंपल ये देखते हैं कहानी क्या है, समय ज़्यादा नहीं। पेड़ की एक डाल पर चिड़िया का घोंसला था, घोंसले में चिड़िया के दो बच्चे थे, चिड़िया अपने बच्चों को चोंच में दाना बाहर से लाकर खिलाती थी। जब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए, अब चिड़िया इन बच्चों को पेड़ों पर उड़ना सिखाने लगे, नहीं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको वो उड़ना सिखाती है, कैसे शिकार किया जाता है, कैसे अपना पेट भरा जाता है, ये सब चिड़िया अपने बच्चों को सिखाती है। जब बच्चे अच्छी तरह से उड़ने लगे तो वे घोंसला छोड़कर बाहर उड़ गए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, मेरे दो प्रश्न, ये हमें पाठ से बनाना है। तो अगला प्रश्न है कि कविता के आधार पर कोई दो सवाल बनाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है चिड़िया का घोंसला कहाँ था, और दूसरा प्रश्न है कि चिड़िया का घोंसला कैसे उड़ गया। और भी प्रश्न हम बच्चों के माध्यम से इसको बनवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।